हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET UG 2022 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है, और इस एडमिट कार्ड को कैसे आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो में पूरा हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं आपको करना है, सीधा आपके गूगल या क्रोम पर आ जाना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है CUET.samarth.ac.in। यहाँ से मैं आपको ये लिंक भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ से है, आप इसे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं भी इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाके कर देते हैं। आपको सीधा इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई भी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फिर से एक बार देख लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं लॉगिन का आइकॉन यहाँ पर आपको देखने के मिला, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। सीधा क्या करना है आपको, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ से मांगेगा। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ से फिल कर देता हूँ इसमें, ठीक है। फिर आगे प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप लोग, मैंने पासवर्ड भी फिल कर दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ आपके सामने। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। तो सीधा आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं आप लोग को, लेकिन इस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड और प्रिंट एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ से मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सीधा दिखा देता हूँ। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, आपके सामने सीधा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होकर के आ